नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप हमारे वीडियो को पूरा अंतिम तक देखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों जी, आज हम देखना चाहते हैं कि MS वर्ड और MS एक्सेल में कई यूज़र्स डॉक्यूमेंटेशन का कार्य जब करते हैं तो उस टाइम पे उन्हें कई प्रकार के सरलताओं का ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता होता है कि वो कोई भी वर्क कम से कम समय पर कर पाएँ। इसके लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट्स का यूज करना होता है। तो इसी शॉर्टकट के एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन का यूज हम देखेंगे कि वो वास्तव में उसका यूज कैसे कर पाएँ। तो चलिए आज हम बात करते हैं MS वर्ड और MS एक्सेल में फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक कोई पहले से बना हुआ फाइल ओपन किए लेता हूँ। तो जब आप क्या होता है, जैसा कि आप चाहे तो MS वर्ड में हो या MS एक्सेल में हो, आप दोनों पर कहीं पर भी हो, तो वहाँ पर आप जब कोई मैटर टाइप करते हैं, बहुत सारा डाटा आपके पास होता है और आपका डाटा टाइप करते करते आप बहुत लंबी लिस्टिंग कर जाते हैं और उस टाइम पे आपको इतना समय नहीं होता है कि आप उस पूरे डाटा को शुरू से लेकर के अंत तक चेक करें। कहीं पर कोई वर्ड दो बार हो गया है, अगर आप उसको चाहते हैं कि एक के जगह पर कुछ और होना चाहिए, या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को, शब्द को आप सर्च करना चाहते हैं, या किसी जैसे कि आप 200 लोगों का नाम लिख लिए और आपको 185 नंबर का जो बंदा है उसका आपको नाम चाहिए है, ठीक है, उसका नाम कुछ है, तो अपन एक काम करते हैं, उसका नाम टाइप करके अपन डायरेक्टली उसे फाइंड कर पाते हैं। तो ये होता है फाइंड। तो चलिए दोस्तों, अपन किसी भी शब्द को MS एक्सेल में कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले अपन मेनू बार में से एडिट मेनू को क्लिक करेंगे। एडिट मेनू को क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं फाइंड सब मेनू है, फाइंड को क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने डिस्प्ले होकर आ रहा है। इस फाइंड एंड रिप्लेस के डायलॉग बॉक्स पर आप देख पा रहे हैं कि फाइंड व्हाट का टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो जी हाँ मित्रों, इस पर हमें वह मैटर लिखना है जिस मैटर को हमें फाइंड करना है, या वह नाम लिखना है जिसे हमें सर्च करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स पर मैं कोई नाम टाइप कर देता हूँ जिसे हमें सर्च करना है। तो आप देखिए, वो नाम हमने टाइप कर दिया है और टाइप करने के बाद हमें फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ये तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमने फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक किया तो हमारा टाइप किया गया मैटर हमारे सामने 34 नंबर पर था, वो हमारे सामने एक ब्रैकेट में डिस्प्ले हो गया है। इसी तरह हम कोई और अन्य नाम भी देख लेते हैं टाइप करके। ये देखिए आप, हमने स्मृति टाइप किया तो वो 7 नंबर पर हमारे सामने डिस्प्ले हो गया। तो जी हाँ मित्रों, ये हुआ फाइंड, अर्थात हम किसी भी डाटा को फास्टली एक्सेस करने के लिए, फास्टली फाइंड करने के लिए फाइंड व्हाट के टेक्स्ट बॉक्स पर उस डाटा को टाइप कर देते हैं जो कि पहले से इस पे हमने टाइप किया हुआ रखा है, तो वो हमें फास्टली
फाइंड हो जाता है। इसी तरह अपन देखते हैं रिप्लेस। रिप्लेस का वर्क क्या होता है, सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं। रिप्लेस का मतलब होता है पहले से बने हुए, पहले से टाइप किए गए डाटा के ऊपर कोई अन्य डाटा स्थापित करना। अर्थात जैसे कि कोई नाम लिख गया है और हमने बाय मिस्टेक उसको गलत लिख डाला, जैसा कि हमने राजेंद्र लिखा है, तो वहाँ पर हमें सुरेंद्र लिखना था और बाय मिस्टेक हमने राजेंद्र लिख लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि राजेंद्र को फाइंड करेंगे कि राजेंद्र है कहाँ पर, ठीक है। तो फाइंड व्हाट के टेक्स्ट बॉक्स पर हम जो सर्च किया जा रहा है एक एग्जांपल के तौर पर कि हमें ये नाम सर्च करना है, सबसे पहले हमें ये देख लेना है। राजेंद्र हमने जैसे ही टाइप किया तो आप देख पा रहे हैं एट नंबर पे था, वो हमें फाइंड हो गया। या कोई और अन्य नेम था उसे हम फाइंड कर पाते हैं, आप देख पा रहे हैं जैसे ही हमने नाम टाइप करके और फाइंड नेक्स्ट किया तो वो डाटा हमें डिस्प्ले हो गया, आप देख पा रहे हैं ये। इसके बाद हमें रिप्लेस विद का टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है, आप देख पा रहे हैं रिप्लेस विद। तो फाइंड व्हाट के टेक्स्ट बॉक्स में हमने जो हमें फाइंड हो करना था वो हमने यहाँ पर टाइप किया। अब इस फाइंड किए गए डाटा पर हमें दूसरा क्या डाटा रिप्लेस करना है वो टाइप करना है, यानी कि संदीप नाम जो था वो हमने फाइंड कर लिया। अब संदीप के जगह पर क्या लिखना है वो हम टाइप कर देंगे, ये आप देख पा रहे हैं कि हमने फाइंड व्हाट पर संदीप को फाइंड किया और रिप्लेस विद पर हमने प्रदीप लिख दिया, यानी कि संदीप के जगह पर हमें प्रदीप चाहिए। तो इसके बाद हमने ये टाइप करके और जैसे ही रिप्लेस ऑल कर देंगे या रिप्लेस और रिप्लेस ऑल, ये दो बटन हैं आप देख पा रहे हैं। इनका दोनों का मतलब ये है कि अगर हमें किसी एक संदीप को जिसको हमने फाइंड किया है करंट टाइम के वो एक्टिव है, उस संदीप के जगह पर प्रदीप टाइप करके हम रिप्लेस करेंगे तो केवल एक जगह प्रदीप हो जाएगा। अगर हमारे इस डाटा सीट पर यानी कि जितना हमने मैटर टाइप किया है उस पर कई जगह अगर संदीप हैं और हम रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जितने जगह संदीप रहेगा उतने जगह प्रदीप हो जाएगा। तो हम रिप्लेस कर देते हैं या रिप्लेस ऑल, कई जगह वही मैटर रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस ऑल कर देंगे। और रिप्लेस करने पर ये आप देख पा रहे हैं कि संदीप के जगह पर प्रदीप हो गया। तो जी हाँ मित्रों, रिप्लेस करने के लिए एक बार पुनः देख लीजिए। एक नए एग्जांपल के साथ हम पहले कोई भी डाटा फाइंड कर लेते हैं, एक बार पुनः देख लीजिए। हमने शिवा टाइप करके फाइंड नेक्स्ट किया तो आप देख पा रहे हैं शिवा एक्सेस हो गया और शिवा के जगह पे हमें उमा लिखना था तो हम उमा लिख करके रिप्लेस ऑल कर देंगे तो आप देख पा रहे हैं कि शिवा के जगह पर उमा लिख गया है। तो हमें आशा है कि आप पूरी तरह से फाइंड और रिप्लेस क्या है ये समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा यह है आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अवश्य टाइप करें और हमें अपना अनुभव अवश्य बताएं। इसी तरह के नए वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।